जन्म है राजीव। रुक जा, आगे मत बढ़ना। मैंने कहा ना आगे मत बढ़ना। जाना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा राजीव? राजीव नहीं हो तुम राजीव नहीं हो। ये तुम क्या कह रही हो जाना? मैं राजीव क्यों नहीं हो सकता जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? मैंने कहा ना तुम राजीव नहीं हो सकते, नहीं हो तुम राजीव। जाना, मैं तुम्हारा राजीव ही हूँ, मेरा यकीन करो। डोंट टच मी, बंद करो अपनी बकवास। राजीव की चिता हमारे आंखों के सामने चली थी, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो तुम राजीव हो? जाना, वैसे ही जैसे मैं कहा करता था। जाना, मेरा विश्वास करो, I love you जाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Shut up, shut up, shut up। जाना, I love you का जवाब shut up कहकर नहीं, मुझे गले लगाकर I love you too कहकर बोलते हैं। और जाना, हमने तो साथ रहने के वादे किए थे, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? जाना, मुझे छू कर देखो, मुझे महसूस कर देखो, मेरी धड़कनें सुनकर कहो, क्या मैं तुम्हारा राजीव नहीं हूं? जाना, पूछो अपने दिल से, क्या मैं तुम्हारा राजीव नहीं हूं? पूछो अपने दिल से। क्लब जा रहा हूँ। पापा प्लीज, आप फौरन घर आ जाइए। क्यों, क्या बात, बहुत परेशान लग रही हो। पापा, पापा वो राजीव घर आ गया है। What? I mean पापा, वो हुबहू राजीव जैसा है, वो अपने आप को राजीव कहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा, आप फौरन घर आ जाइए प्लीज। ये क्या कह रही हो तुम, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं घर आ रहा हूं। ठीक है पापा। तो ये है राजीव का कमरा। लगता है राजीव के मरने के बाद संजना ने अपना बेडरूम बदल लिया है और इस कमरे में कोई नहीं आता। राखी को देख रहे हो राजीव? ये राखी नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बांधी है तुम्हारी बहन ने मेरी कलाई पर। अब वो मेरी बहन बन चुकी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना ही अब मेरा मकसद है। बहुत आंसू दिए हैं संजना गुजराल ने तुम सबको, अब मैं संजना गुजराल को खून के आंसू रुलाऊंगा। ऐसा खौफ का मंजर दिखाऊंगा कि उसकी जिंदगी एक खौफनाक ख्वाब बनकर रह जाएगी।
क्या हुआ माँ? अचानक तुम यूं नींद में से क्यों जाग गए? आंख लग गई थी सुहानी, फिर अचानक मन में बुरे बुरे ख्याल आने लग गए, इसीलिए जाग गई। मैं जानती हूँ माँ, सपने हमें अभी भी डराते हैं, लेकिन हम उन सपनों से डरे क्यों? जो गुजर गया वो गुजर गया, उनके साये में हम आने वाले कल की खुशियों को क्यों खो दें? यही तो हमारी जिंदगी का दुख है सुहानी, कि जिस साये से हम हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, वही साया हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमारे साथ साथ चलता। मैं कुछ समझी नहीं माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुझसे क्या कह सकती हूँ सुहानी, एक तरफ तेरा विश्वास है और दूसरी तरफ मेरा डर। ये ठीक है सुहानी कि बाबू ने तेरी जिंदगी बचाई, और ये भी ठीक है कि बाबू ने तेरे लिए अपना रूप बदला, राजीव का रूप ले लिया, लेकिन सुहानी क्या वो अपनी फितरत बदल सकता है? माँ तुम भैया के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। तुम मुझे गलत समझ रही है सुहानी, ये तो एक माँ की ममता है जो खुद मुझसे बार बार ये सवाल करती जा रही है कि क्यों क्यों हम बार बार उस रास्ते पर चलते जा रहे हैं जिस रास्ते पर मुझे डर लगता है कि मैं तुझे खो दूंगी। बाबू ने राजीव की मौत का बदला लेने की कसम खाई है सुहानी, और मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से हम लोग कोई नई मुसीबत में नहीं फंस जाएं। भैया हमारे लिए कोई नई मुसीबत पैदा नहीं कर रहे माँ, भैया तो हमें मुसीबत से बचाना चाहते हैं, और वैसे भी उस संजना गुजराल से बदला लेना तो मेरा जुनून है। तेरे जुनून और बाबू के इरादे में फर्क है सुहानी, बाबू के बदले का मतलब तो जानती है, खून खराबा, हत्या। तो एक बार सुहानी, एक बार बाबू को अपने भाई के दर्जे से हटा कर देख, उसे उसे बाबू जैसा देख सुहानी, तब तुमको उन दोनों के बीच में फर्क नजर आएगा। माँ मैं मेरे भाई को दो अलग अलग जगहों पर नहीं देख सकती माँ, मेरे लिए मेरे भाई की सिर्फ एक ही जगह है, उसका सिर्फ एक ही रूप है और उसका सिर्फ एक ही नाम है, और मैं जानती हूँ कि मेरे भैया मेरे विश्वास की रक्षा करेगा जिस तरह से उन्होंने मेरी रक्षा की है। माँ वो धागा कोई कच्चा धागा नहीं है, उस कच्चे धागे में मेरा पक्का विश्वास बंधा है माँ, और मेरा विश्वास कहता है कि जिन हाथों में मैंने राखी बांधी है वो हाथ कभी हथियार नहीं उठा सकते। मेरे साथ किया था राजीव, मैंने क्या किया था? तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कि राजीव मुझे मारोगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी जान है राजीव। मैं भी तुम्हारा पति था, मैं भी तुम्हारा जाना था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। राजीव नहीं, राजीव नहीं, राजीव क्या हुआ पापा?
मुझे बचा लीजिए पापा, वो मुझे मार डालेगा। वो यहीं पर था। यहाँ कोई नहीं, कौन मार डालेगा? हाँ पापा, वो यहीं पर था। मुझे बचा लीजिए पापा। मुझे मार डालेगा। होश में आओ बेटा, होश में आओ। पापा पापा, मैंने कहा ना वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, देखा? पापा, पापा संजना इतनी डरी हुई क्यों है? इसे हो क्या गया है? आगे मत बढ़ना, मैंने कहा ना आगे मत बढ़ना। तुम राजीव नहीं हो पापा, ये राजीव नहीं है पापा। संजना ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा राजीव हूँ संजना, और मैं मर कैसे सकता हूँ? मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। और पापा पता नहीं है क्या अनाप शनाप बके जा रही है, कह रही है कि मेरी चिता जला दी गई है। पापा मुझे लगता है कि संजना तुम ठीक तो हो? वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि तुम हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। पापा आप भी, पापा आप भी संजना की बातों में आ गए? पापा आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि मैं मर गया हूं जब मैं आपके सामने खड़ा हूं? ओके, ठीक है। तुम अगर इतने यकीन के साथ कह रहे हो कि तुम राजीव हो तो ठीक है, मैं भी मान लेता हूं कि तुम राजीव हो। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, जिस आदमी की चिता हमने जलाई है वो कौन था? पापा कौन सी लाश, कौन सी चिता? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं राजीव हूं और मैं आपके सामने खड़ा हूं, बस। सिर्फ बस कहने से कहानी खत्म नहीं हो जाती। राजीव को हमारे सामने गोली लगी थी, राजीव ने हमारे सामने दम तोड़ा था, राजीव की चिता हमारे सामने जली थी, फिर भी तुम कैसे कह सकते हो कि तुम राजीव हो? तुम्हें यकीन करना होगा संजना, क्योंकि मैं ही राजीव। मैं तुम्हें और कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही राजीव हूं संजना? नहीं, अगर तुम राजीव हो तो अब तक कहां थे? स्वामी सच्चिदानंद के आश्रम में। तुम आश्रम में पहुंचे कैसे? पापा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं होश में आया मैंने अपने आप को आश्रम में पाया, और वहां के स्वामी ने मुझे कहा था कि मैं कहीं दिन तक बेहोश था, और पापा होश में आते ही मैं अपने घर आना चाहता था, अपनी जाना के पास आना चाहता था। पापा मुझे इस घर का पता बड़ी मुश्किल से याद आया है। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे। ठीक है पापा। रुको, जी पापा। ये आश्रम है कहाँ? पापा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर हाँ पूना के पास एक गांव है सांगली, उसी गांव में आश्रम है। तुम जाओ। ठीक है। पापा, पापा आपने उसे घर से बाहर निकलने के वजह वो राजीव नहीं है पापा। ठीक है बेटा, पहले ये तो जान ले इसकी बात में सच्चाई कितनी है। तो सच्चाई का पता कैसे चलेगा? आश्रम में जाके सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि ऐसा आश्रम है या नहीं, और अगर है तो क्या वाकई ये राजीव है? राजीव नहीं हो सकता,
श्री स्वामी सच्चिदानंद आश्रम, नाम तो यही बता रहा था। बिल्कुल पता भी सही है, आश्रम भी है। चलो चल के पूछते हैं। पूछते हैं। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम कमलकांत गुजराल है। शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर डिजिट्यूब।